हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कुछ टाइम पहले टीवीएस ने अपनी एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का टीजर आउट किया था और आज 2 मार्च 2021 को टीवीएस ने न्यू स्टार सिटी प्लस को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक से जुड़े सारे अपडेट और प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पुराने वाले स्टार सिटी प्लस से न्यू वाले स्टार सिटी प्लस का प्राइस का कितना डिफरेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, न्यू वाले स्टार सिटी प्लस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ न्यू डिस्क ब्रेक लगाया गया है। इसमें आपको 240 mm का पेटल डिस्क ब्रेक फ्रंट में देखने को मिल जाता है और रियर में CBS देखने को मिल जाता है, मतलब कंबाइंड ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब ये बाइक आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है जिससे आपको गाड़ी रोकने में काफ़ी अच्छा सुविधा होने वाला है। इस बाइक में रोटो पेटल डिस्क ब्रेक लगाया गया है और इसका एक्स शोरूम प्राइस 68,465 रुपये रखा गया है, 68,465 रुपीज एक्स शोरूम रखा गया है। और अगर हम कंपेयर करें इसके पुराने वाले स्टार सिटी वेरिएंट से और नए वाले स्टार सिटी वेरिएंट में, तो आपको ये 2,600 रुपये ज़्यादा पड़ने वाला है पुराने वाले के कंपेरिजन में। इस बाइक में आपको डुअल टोन कलर स्कीम देखने को मिल जाता है जिसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है। चलिए अब सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो आपको इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और रियर में विन 5-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल रियर शॉक ऑब्जर्वर का यूज किया गया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, टीवीएस क्लेम करती है कि स्टार सिटी प्लस के जो कस्टमर है इनके 3 मिलियन हैप्पी कस्टमर है, मतलब 30 लाख हैप्पी कस्टमर है स्टार सिटी प्लस के। और टीवीएस एक बेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है जिसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। टीवीएस की स्टार सिटी प्लस बजाज की प्लेटिना 110H गियर, हीरो पैशन प्रो एंड होंडा लिबो को कड़ी टक्कर देने वाली बाइक है। स्टार सिटी प्लस में आपको LED हेडलैम्प, USB मोबाइल चार्जर एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर में है और ओडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज और कई सारे इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको ETFI टेक्नोलॉजी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन यूज किया गया है जिससे कंपनी 50% बेटर माइलेज क्लेम करती है। पावर की बात करें तो आपको इसमें 110cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन मिल जाता है जो 9 BHP की पावर 7,350 RPM पर जनरेट कर देती है और 8.7 Nm का पीक टॉर्क आपको 4,500 RPM पे ये बाइक दे देती है। इसमें आपको 4-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है और इसका टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h का आपको इसमें टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को स्टार सिटी प्लस बाइक कैसा लगता है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।